मोनिका स्वीट एंड सॉल्टी रेसिपीज में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं मीठी लस्सी की बहुत ही सिंपल रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हम मार्केट में जब लस्सी पीते हैं तो वो बहुत ही गाढ़ी और क्रीमी सी होती है, लेकिन जब हम घर पर बनाते हैं लस्सी तो वो उतनी अच्छी नहीं बन पाती, उतनी गाढ़ी नहीं बनती, उतनी क्रीमी नहीं होती। तो आज मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपकी जो लस्सी है वो बिल्कुल मार्केट जैसी गाढ़ी और क्रीमी बनेगी। तो चलिए फटाफट से हम इसे बना लेते हैं। लस्सी को मैं हाथ से मथकर बनाऊंगी ऑथेंटिक तरीके से बिल्कुल। आप चाहें तो इसको इस तरह के ब्लेंडर जार में या हैंड ब्लेंडर से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बना रही हूँ। तो ऑथेंटिक तरीके से बनाने के लिए हम मथनी का प्रयोग करते हैं, इस तरह की ये स्टील की मथनी या लकड़ी वाली मथनी आती है उसका भी आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक कप दही लिया है, घर का जमा हुआ दही है और गाढ़ा होना चाहिए आपका दही। अगर आप बिल्कुल क्रीमी और गाढ़ी लस्सी बनाना चाहते हैं तो जो आपका चाहे घर का दही हो या मार्केट वाला हो, दही एकदम गाढ़ा होना चाहिए। तो ये एक कप दही है, बिल्कुल गाढ़ा दही हमें लेना है। और इसमें डाल रही हूं मैं ये आधा कप दूध है। दही और दूध दोनों ठंडे हैं, ये फ्रिज के दही और दूध मैंने यूज किया है। इससे जो हमारा लस्सी है ये बहुत ही क्रीमी बनेगी। आप इसमें दूध जरूर डालें जिससे कि जो हमारी लस्सी है बहुत ही क्रीमी बनेगी। दही गाढ़ी हो और उसमें आधा कप दूध डाला है, दोनों हमने चिल्ड लिए हैं। इसमें चौथाई कप मैं चीनी डाल रही हूँ, मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर, अगर आपको इलायची का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप ना डालें। और चार से पांच आइस क्यूब्स। अब हम इसको अच्छी तरह से मथेंगे। हाथ से मथकर जो लस्सी हम बनाते हैं उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, आप एक बार बनाकर जरूर देखिएगा। अगर आपके पास इस तरह की मथनी नहीं है तो आप उसको हैंड ब्लेंडर या ब्लेंडर जार में बना लें, तब भी वो अच्छी बनती है। लेकिन इस तरह से हाथ से मथकर बहुत ही स्वादिष्ट बनती है हमारी जो लस्सी है। ऑथेंटिक तरीका यही है लस्सी बनाने का। और एक चीज का आप ध्यान और रखें कि अगर आप हैंड ब्लेंडर या ब्लेंडर जार में लस्सी बना रहे हैं तो आपने उसको बहुत ज्यादा नहीं चलाना है, ब्लेंडर जार को बहुत नहीं चलाना है। नहीं तो अगर हम बहुत देर तक इसको फेटेंगे तो हमारी जो लस्सी है ये पतली हो जाती है, इस चीज का आप ध्यान रखें। लस्सी को हमने मथ लिया है, मैं दिखाती हूं आपको, ये देखिए कितनी गाढ़ी और क्रीमी बनी है। इस तरह से हाथ से मथकर हमारी लस्सी बहुत ही अच्छी बनती है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। लस्सी को मैं ये मिट्टी के कुल्हड़ में सर्व कर रही हूँ, आप चाहे तो ग्लास में भी कर सकते हैं, लेकिन लस्सी का मजा तो कुल्हड़ में ही है। देखिए कितनी गाढ़ी है, बहुत ही यमी लग रही है देखकर ही, एकदम क्रीमी गाढ़ी। तो इसमें आप इस चीज का ही ध्यान रखें, एक तो दही जो है आपकी वो गाढ़ी होनी चाहिए, उसमें दूध डालें, इससे एकदम क्रीमी टेक्सचर आएगा। और दूसरा आप उसको बहुत ज्यादा नहीं फेटें। अगर आप बहुत ज्यादा फेटेंगे मिक्सर जार में, आप अगर बना रहे हैं और मिक्सी को आप बहुत ज्यादा चलाएंगे तो आपकी जो लस्सी है ये पतली हो जाएगी, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। अब कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, ये ऑप्शनल है, इससे मैं इसको गार्निश कर दूंगी। अगर आपको पसंद हो तो डालें, और नहीं डालना चाहते तो ऐसे भी पिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है लस्सी। और गर्मियों में तो बाहर के जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं इनसे तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। थोड़ा सा पिस्ता डाल रही हूँ, थोड़ा सा बादाम डाला है मैंने कटा हुआ, और थोड़ा सा पिस्ता। आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट से भी इसको गार्निश कर सकते हैं। हमारी बहुत ही स्वादिष्ट लस्सी बनकर तैयार है, आप भी इसे बनाएं और एंजॉय करें। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।